72 घंटाय प्राय अनेक जनेर मृत्यु होयेছে 69 जनेर मृत्यु होयेছে शुधुमात्र तापप्रवाहे उत्तर प्रदेशे बालियाते এই घटना এবং এমনই জানানো হয়েছে হাসপাতালের পক্ষ থেকে মাত্রাতিরিক্ত তাপপ্রবাহে বালিয়া জেলায় হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে প্রায় 69 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানতে পারা যাচ্ছে আরো 400 জন গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি যদিও এই তথ্য তদন্তকারী দলের পক্ষ থেকে খারিজ করা হয়েছে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে তাপপ্রবাহে এতজনের একসঙ্গে মৃত্যু নয় আপনাদের জানিয়ে রাখি অসুস্থ হয়েছেন কমপক্ষে 400 জন তবে একসঙ্গে এতজনের মৃত্যুর কারণ অতিরিক্ত তাপমাত্রা মোটেই নয় এর পেছনে অন্য কারণ রয়েছে বলেই বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে লখনউ থেকে একটা বিশেষজ্ঞদের একটি বিশেষ দল বালিয়ায় পাঠানো হয় বালিয়া জেলার চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট গত 16 জুন একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন যে হিটস্ট্রোকের কারণে অনেকের মৃত্যু হয়েছে অন্তত 25 জনের মৃত্যু হয়েছে হিটস্ট্রোকে তারপরেই ওই চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট প্রভাকর সিংকে তার পদ থেকে সরিয়ে আজমগড়ে বদলি করা হয় রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান যে তাপপ্রবাহে মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক তথ্য ছাড়াই মন্তব্য করেছেন ওই আধিকারিক তাই তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশের বালিয়ায় মারা গিয়েছেন বহু মানুষ অন্তত 69 জনের 54 জনের মৃত্যু হয়েছিল যার মধ্যে সরকারি হিসেবে 44 জনের মৃত্যুর কারণ গরম বলে বলা হয় কিন্তু সেই তথ্যই খারিজ করে দেয় তদন্তকারী দল এদের মধ্যে যারা গুরুতর অসুস্থ হয়ে রয়েছেন তারা অধিকাংশই বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি লখনউ থেকে আসা বিশেষজ্ঞ দলের পক্ষ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে যে এদের 54 জনের মৃত্যু গরম থেকে হয়নি জল ঘটিত রোগের জেরে তাদের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলেই ধারণা ওই বিশেষজ্ঞ দলের এই মুহূর্তে বিশদে जानते हैं আমরা সরাসরি চলে যাব বালিয়া সেখানে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি मनीष तिवारी मनीष जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द रीजन फॉर द डेथ व्हाट इज टेलिंग बाय द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टीम ऑफ द यूपी गवर्नमेंट बिल्कुल जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से जो दावे किए थे कि अगर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो गर्मी का माहौल था करीब 46 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद जो है सरकारों के वो दावे जो है फेल होते हुए नजर आए उस वक्त जब लगातार जो है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है गर्मी की वजह से जो है मौतें हो रही है अगर देखा जाए सबसे अहम बात जो है बलिया जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर जो है करीब 69 लोगों की जो है गर्मी की वजह से अब तक मौत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वहां के जो सीएमओ है उनको निलंबित किया गया है उनको और साथ ही लखनऊ से एक टीम गई है जो लोग वहां पर लगातार जिनकी मौत हो रही है उनका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है जिसकी जांच की जा रही कि क्या वजह रही है कि इन लोगों की लगातार जो है लोगों की मौत हो रही तो बहुत ही बड़ा कारण है और जिसको लेकर के जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जो चिकित्सक अधिकारी हैं उनके साथ आज करीब 12 बजे से बैठक चल रही है जिस प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश के जो है बलिया के साथ साथ देवरिया है और प्रतापगढ़ है जहां पर लगातार जो है मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं गर्मी की वजह जो एक बताई जा रही है हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि कुछ मौतें जो है और भी बीमारियों की वजह से हो रही है लेकिन जो एक जांच कमेटी गठित की गई है उस जांच के आधार पर जो है तय हो पाएगा कि जिस प्रकार से जो है जो एक कारण अब तक बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की भीषण गर्मी की वजह से इस प्रकार से मौतों का आंकड़ा देखने को मिल रहा है जी मनीष जी ये the investigation team has not completed the investigation but they have suspended already the Prabhakar Singh the concerned government official at Balia but they are on the way to their investigation, they don't know whether it is an enteric disease or it is for the heat stroke. Why these 69 people has been dead? What is the reason? बिल्कुल, सबसे अहम बात, अगर जिस प्रकार से जो है हॉस्पिटल के जो वहाँ के सीएमओ हैं और वो जो मीडिया के सामने मुखातिब है, उनका साफ तौर से अब तक जो कहना है कि लगातार लोगों की जो है भर्ती होने की संख्या चालू है, और वहीं पर अगर मौतों के आंकड़ों की बात की जाए तो करीब 9 दिन में लगातार आंकड़े बढ़ते हैं। अगर आप जो जानना चाहते हैं कि रीजन की बात, अब तक जो लोग, जिन लोगों की अब तक जो डॉक्टरों के द्वारा या जो स्पेशल टीम जो गठित की गई है उनके द्वारा को ये उम्मीद की जा रही है, जो उन्होंने अब तक मीडिया के सामने बताया है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से लू लगना और जो डाइहाइड्रेशन की हर तरह की, या साथ ही साथ डायरिया, इस प्रकार की जो है बीमारियां जो है लोगों में पाई जा रही है, जिसकी वजह से जो है ये मौतें हो रही है। हालांकि जिस प्रकार से अब तक जो डॉक्टरों की टीम, जो स्पेशल टीम यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है बलिया भेजी गई है, वो उनके द्वारा जो जिन लोगों की डेथ हो चुकी है तो उनका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। ब्लड सैंपल के आधार पर जो है जो भी रिसर्च किया जा रहा है, रिसर्च में जो चीजें निकल के आएंगी वो, और जो उनको मुख्यमंत्री के सामने भी अपनी ये रिपोर्ट पेश करनी है, तो उनके द्वारा जो है ये एक पूरा मुहिम उनके द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर कही जाए तो अब तक जो वजह देखी जा रही है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 46 डिग्री टेम्परेचर होने के एक सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि जो मौतों, जो लगातार कई जिलों में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो लोग बीमार हो रहे हैं या मौतें हो रही हैं, ये एक गर्मी एक सबसे बड़ी वजह अब तक देखने को मिल रही है। अब ये देखना है कि स्पेशल टीम के द्वारा जो रिसर्च किया जा रहा है, उनका जिन लोगों की डेथ, उनका ब्लड सैंपल लेके तो और क्या क्या उनमें क्या वजह सामने देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जरूर है, विपक्षी दल इस मुद्दे को भी जो है सरकार की लापरवाही मान रहे हैं, और लगातार यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेरने में लगी है, और सरकार भी अब तक कोई जवाबदेही नहीं दे पा रही, क्योंकि जिस प्रकार से जो कारण देखने को मिल रहा है, लगातार जो है मौतों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, ये एक सरकार के लिए भी चिंता का कारण है। और इसको देखते हुए डॉक्टरों की टीम जरूर गठित की गई है, अलर्ट किया गया है। अब ये देखना है कि इस अलर्ट से जो है अब कितने लोगों की जो है डॉक्टरों के द्वारा जान बचाई जा सकेगी। जी मनीष जी, अभी तक यही पता नहीं चला कि 46 डिग्री टेम्परेचर के वजह से इन लोग का मौत हुआ, यह दूसरा कोई रीजन है। मगर जो पहले वो प्रभाकर सिंह जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर यही बताए थे कि 46 डिग्री टेम्परेचर की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से उन लोगों का मौत हो गया, तो ये बात कहने के वजह से उनको सस्पेंड कर दिया। मगर अभी तक तो यही तय नहीं हुआ कि उसी वजह से मौत हुआ या दूसरी कोई कारण है। जी बिल्कुल, अगर यही तो एक सबसे बड़ा सवाल जो है सरकार पर विपक्षी दल जो है घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो है बलिया के जो सुपरिंटेंडेंट जो है उन्होंने मीडिया के सामने आकर के जिस प्रकार से टेम्परेचर की वजह से मौत का कारण उनके द्वारा सबसे पहले बयान दिया गया था कि टेम्परेचर की वजह से जो है मौतें हुई है, ये एक कार्रवाई जो है सरकार की तुरंत देखने को मिली, उन पर कार्रवाई की गई। इसी के तहत जब विपक्षी दलों ने और मीडिया ने जब पर सवाल उठाया तो टीम को जरूर गठित कर दिया गया, और जो एक सरकारी जो बयान अब तक देखने को मिला, सरकार के द्वारा ये कहा गया कि अभी ये मेरी टीम जो है वहां पर बलिया जा रही है, उसके बाद जो है सही कारण जो है मालूम चल सकेगा किस कारण से जो है लोगों की मौत हुई। तो एक कार्रवाई सरकार के द्वारा जल्दबाजी में की गई है और टीम का गठन किया गया है, क्योंकि सरकार सवालों के घेरे में, क्योंकि सरकार के द्वारा लाख दावे किए गए थे कि गर्मी से लोगों की मौत को पूरी सुविधा दी जाएगी, हॉस्पिटल में पूरे इंतजाम किए गए हैं, किसी प्रकार से लोगों को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों को देखा जाए तो वहां पर काफी लोग मरीज परेशान है, बेडों की संख्या कम पड़ गई है, और जिस प्रकार से जो है लापरवाहियां देखने को मिली, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और जिस प्रकार से निलंबन जो सरकार जो है अपनी जो एक डॉक्टर के द्वारा मीडिया के सामने बयान दिया गया, इस मुद्दे को भी कहीं पे दरकिनार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, लेकर के विपक्षी दल जो है लगातार जो है सवाल उठा रहा है। जी शुक्रिया। कथा बोलছিলাম আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি মনীশ তিওয়ারি। তিনি জানালেন এই মুহূর্তে গোটা ঘটনাটির বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করে দেখছেন যে বিশেষ দল গিয়েছে বালিয়া লখনউ থেকে, সেই বিশেষ মেডিকেল টিম গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।